गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बीएससी थर्ड ईयर में हमने इससे पहले बात करी थी चैन लेंथिंग की या किलिनी फिशर संश्लेषण की। बीएससी थर्ड ईयर में बात कर रहे थे हम कार्बोहाइड्रेट्स की और उसमें हमने बात कर ली थी किलिनी फिशर संश्लेषण। आज हम पढ़ेंगे एल्डोस सीरीज का अपरोहण। अपरोहण मतलब चैन शॉर्टिंग, मतलब चैन का छोटा करना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैन लेंथिंग, चैन को लंबा करने वाली किलिनी फिशर संश्लेषण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रफ डिग्रेडेशन के बारे में। इसमें सबसे पहली विधि है रफ विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं रफ विधि। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एल्डोस ले रहे हैं, कोई भी हो सकता है, हेक्सोस, पेंटोस, टेट्रोस। एल्डोस की ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है। क्या करा रहे हैं? एल्डोस का ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं। उससे क्या बनता है? एल्डोनिक एसिड। क्या बनता है उससे? एल्डोनिक एसिड। इस एल्डोनिक एसिड की कैल्शियम सल्फेट के साथ, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डोनिक एसिड के कैल्शियम लवण बनते हैं। एल्डोनिक सेकंड स्टेप क्या है? एल्डोनिक एसिड का अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उससे एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम लवण बनते हैं। तीसरा स्टेप है ये एल्डोनिक एसिड के कैल्शियम लवण फेंटोन अभिकर्मक। फेंटोन अभिकर्मक क्या होता है? FeSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड को फेंटोन अभिकर्मक कहा जाता है। फेंटोन रिएजेंट क्या करता है? फेंटोन रिएजेंट कार्बन 1 C1 तथा C2 कार्बन के बीच बॉन्ड क्लीवेज कर देता है और एक कार्बन कम वाला हमें एल्डोस देता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एक कार्बन चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक कार्बन कम वाला हमें एल्डोस प्राप्त होता है। ठीक है, रफ विधि में हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या लेना है? कोई भी मान लो लिया अपन ने CHOH, इसको लेते हैं डी ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, ये है डी ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख सकते हो डी ग्लूकोज। अभिक्रिया किससे करानी है? ब्रोमीन वाटर के साथ। ये ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? ब्रोमीन वाटर टर्मिनल CHO को COOH में बदल देगा। Got it? ये कौन सा अम्ल बन गया? एल्डोनिक अम्ल। एल्डोस से बना है इसलिए एल्डोनिक एसिड। अब ये एल्डोनिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके इसका क्या बना देगा? कैल्शियम लवण COOCA CHOH CHOH का होल थ्राइस देन CH2OH। इसका नाम तुम लिख सकते हो, क्या बन गया ये? कैल्शियम लवण। किसका कैल्शियम लवण? इस पे बैलेंस ही कंप्लीट कर लेना, हाफ प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, कैल्शियम लवण ऑफ एल्डोनिक एसिड। अब ये कैल्शियम लवण एल्डोनिक एसिड का है जो कि क्या करेगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस फेंटोन अभिकर्मक के साथ, फेंटोन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके फेंटोन रिएजेंट क्या करेगा? यहां से C1 और C2 ये बॉन्ड तोड़ देगा। ये बॉन्ड तोड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? ये टर्मिनल CHOH किसमें चेंज हो जाएगा? CHOH इज कन्वर्टेड इनटू CHO प्लस CO2। एक कार्बन कम वाला हमें क्या मिल गया है? एल्डोस। ये क्या है? डी अरेबिनोस। पांच कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? अरेबिनोस। इसका नाम क्या है? डी अरेबिनोस। डी ग्लूकोज से बनाया है इसीलिए। ये हमने बात करी है रफ विधि के बारे में। दूसरी है होल विधि या वॉल विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। ये बात करी हमने रफ विधि की। रफ विधि क्या होती है? रफ विधि में एल्डोस का ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है, उससे क्या बनता है? एल्डोनिक एसिड। क्या बनता है उससे? एल्डोनिक एसिड। ये एल्डोनिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम लवण बनाता है। ये आगे फेंटोन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर C1 C2 के बीच कार्बन को तोड़ देता है और CHOH ऑक्सीकृत हो रहा है, इसलिए किसमें अल्कोहल, किसमें चिन्ह? प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा ये, अगर टूटेगा तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसमें चिन्ह जाएगा? एल्डिहाइड में। ये क्या बन जाता है? यहाँ 5-6 कार्बन थे और ये है 5 कार्बन वाले, शॉर्ट हो जाएगी चेन। इसको क्या बोलते हैं? रफ विधि। दूसरी है बॉल विधि। बॉल विधि में ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम की हम क्या कराते हैं? एसिटिलीकरण कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। ये थी, अब है बॉल विधि। ये सब साइंटिस्ट के नाम है। रफ 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 कागज नहीं है, रफ एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं बॉल विधि की। WOHL बॉल विधि। तो देखो पॉइंट वाइज पॉइंट वही, बॉल विधि में सबसे पहले क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम फॉर्मेशन। सबसे पहले ऑक्सिम बनता है, किसकी अभिक्रिया से बनता है? ये एल्डोस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्सिम में, ठीक है। अब इस ऑक्सिम का, ऑक्सिम का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या कराया जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस सोडियम एसिटेट के साथ, प्लस सोडियम एसिटेट CH3COONa, यहां तुम लिख लेना एक साथ, के साथ गर्म किया जाता है, जिससे साइनाइड बनता है, जिसका आगे जल अपघटन कराने पर साइनाइड में चेंज हो जाएगा ऑक्सिम, और उसका जल अपघटन कराने पर हाइड्रोक्सी समूहों का भी एसिटिलीकरण हो जाता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाता है। तुम देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, तुम इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि ऑक्सिम का एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसिटेट के साथ गर्म करने पर ये साइनाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आगे जल अपघटन पर, देखो ये और ये साथ बनते हैं, ये इसको इसमें भी तुम कन्वर्ट लिख सकते हो, साथ में ये स्टेप तुम यहां भी लिख सकते हो कि क्या जल अपघटन पर साइनाइड तथा हाइड्रोक्सी ग्रुप का भी एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट, जल अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन साइनाइड का एक अणु निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है? जल अपघटन पर हाइड्रोजन साइनाइड का एक अणु निकल जाता है। का एक अणु निकलकर एक कार्बन कम वाला एल्डोस बनाता है, एक कार्बन कम वाला एल्डोस बनाता है। देखो ये हमने बात कर ली है वोल डिग्रेडेशन की। वोल डिग्रेडेशन क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑक्सिम का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सिम के फॉर्मेशन के पश्चात, देखो चलो हम रिएक्शन के थ्रू लिखते हैं इनको, तुम इन पॉइंट को पहले नोट कर लो। ठीक है, चलो अब करते हैं C
CHO CHOH CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH। क्या लिया है हमने? एल्डोहेक्सोस, ठीक है। एल्डोहेक्सोस की अभिक्रिया किससे कराएंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड एन एच ओ एच में, और ये सी एच ओ एच एन ओ एच का होल थ्राइस और ये सी एच टू ओ एच, ठीक है। क्या बन गया ये? ऑक्सिम। अब इसका क्या करेंगे? एसिटिलीकरण। CH3COO का होल ट्वाइस O प्लस CH3COONa सोडियम एसिटेट के साथ अभिक्रिया कराने पर इनका भी क्या हो जाएगा? CHOCO CH3 CHO CO CH3 का होल थ्राइस और ये CHO CO CH3। इसका भी क्या हो गया? ये एसिटिलीकरण। अब इसका क्या कराएंगे हम? जल अपघटन। CH3ONa की उपस्थिति में क्या होता है? जल अपघटन, जिससे ये एसिटिल समूह वापिस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वापिस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इसको बोलते हैं Golgi प्लस HCl। यहाँ पे HCl लिखते हैं ना, तो HCl का ही मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये था एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज बोल सकते हैं। ये है एल्डोपेंटोज। एल्डोहेक्सोज से क्या बन गया? एल्डोपेंटोज। तुम इससे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हमने क्या किया है। सबसे पहली विधि कौन सी पढ़ी थी अभी? रफ विधि, रफ डिग्रेडेशन। देन वी टॉट होल डिग्रेडेशन। होल डिग्रेडेशन इज व्हाट? सबसे पहले इसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से एल्डोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। देन फर्स्ट इज ऑक्सिम फॉर्मेशन। ऑक्सिम फॉर्मेशन के बाद हमने देखा है इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड तथा एसिटिक सोडियम एसिटेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, गर्म कराया जाता है। तो क्या होता है? CH डबल बॉन्ड NOH मतलब ऑक्सिम इज कन्वर्टेड इनटू साइनाइड, और बाकी के हाइड्रोक्सिल समूह का भी क्या हो जाता है? एसिटिलीकरण हो जाता है। वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिटिल समूहों में। ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इसका हम आगे क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में। ये क्या करता है? सोडियम मेथॉक्साइड इन जो एसिटिल समूह है इनको वापस से अल्कोहलिक समूह में कन्वर्ट कर देता है। इन अल्कोहलिक समूहों को कन्वर्ट करने में हमें पता है कि हमें क्या बनाना है? एल्डोस से एक कार्बन कम वाला एल्डोस बनाना है, तो उसमें हाइड्रोक्सी समूह का होना जरूरी है। तो ये CHO CO CH3 इज कन्वर्टेड इनटू CHOH। देन इसका अगेन जल अपघटन कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटने पर ये समूह तो पहले CHOH में था, वो किसमें चेंज हो गया? CHO में, और ये किसमें चले जाता है? HOH में।
HCN में, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड में, ये है वॉल विधि। देखो इनमें जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुम्हें देगा कि रफ डिग्रेडेशन के बारे में बताइए, या होल डिग्रेडेशन के बारे में बताइए, या फिर क्वेश्चन ये देता है कि एल्डोस की शॉर्ट चेन शॉर्टिंग की कोई भी दो मेथड्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए, मतलब एल्डोस सीरीज के अवरोहण का दो विधियों का एक्सप्लेनेशन दीजिए विस्तार से, या फिर एक विधि का दीजिए। तो तुम्हें ये विधि याद रखनी है, किलियनी फिशर संश्लेषण पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इन तीनों विधियों को, ठीक है। हमने पढ़ लिया है एल्डोस सीरीज का आरोहण और एल्डोस सीरीज का अवरोहण, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स में कॉन्फ़िगरेशन का, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन। एल्डोस का विन्यास क्या होता है, कीटोस का विन्यास क्या होता है, और ये कैसे कैसे समावयवी देते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में हमने यूनिट सेकंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, तो वो तुम्हें पूरी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तुम उसमें ध्यान रखना, उसमें तुम्हें पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम समावयवता के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा उसी में आता है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम इनका कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।